इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड। जो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि 6 मंथ में आप टीआरसी कार्ड कैसे ले सकते हैं। कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पार्टी वहां पे अगर पुर्तगाल में आती है, वो बरसर इक्तदार आती है, वो इमिग्रेंट्स के अंगेंस्ट भी होगी तो तब भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन को बंद नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये होती है कि वो लीगल प्रोस्पेक्टिव से आपकी फाइल को प्रेजेंट करते हैं। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि फाइल लॉक एक डिफरेंट प्रोसेस है और थ्रू लायर आप जब फाइल लॉक करवाते हैं तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। लीगल कंसल्टेंट के थ्रू आप अपनी फाइल को लॉक करवाते हैं तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये होती है कि वो लीगल प्रोस्पेक्टिव से आपकी फाइल को प्रेजेंट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को शेयर करने जा रहा हूं। आपको पता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पुर्तगाल की इमिग्रेशन, स्पेन की इमिग्रेशन, शेंजन जोन मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं सबसे ज्यादा शेंजन जोन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, वीजा पॉलिसी से रिलेटेड, वीजा के इशू रेट से रिलेटेड, वीजा कौन सी कंट्री हाईली इशू कर रही है, कौन सी कंट्री ज्यादा वीजा रिजेक्ट कर रही है, इमिग्रेशन के अपडेट्स से रिलेटेड, पर्टिकुलरली पुर्तगाल की इमिग्रेशन के अपडेट से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड और रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं 10 मार्च को, उनके रिजल्ट के ऊपर कि वो क्या सिनेरियो है। और उसके अलावा मेरे बहुत सारे भाइयों ने जो क्वेश्चंस किए हुए हैं तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो बना दूंगा, आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। और जो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि 6 मंथ में आप टीआरसी कार्ड कैसे ले सकते हैं, 6 मंथ की जो ब्रैकेट है उसमें आपको टीआरसी कार्ड कैसे मिलता है, आफ्टर 6 टैक्स के बाद आप टीआरसी कार्ड कैसे ले सकते हैं, इसके अलावा 6 मंथ में टीआरसी कार्ड आप 6 मंथ तक आपको टीआरसी कार्ड कैसे मिलेगा, और इसके अलावा आपने जो क्वेश्चंस रेज किए हुए थे, आपने जो क्वेश्चंस को हाईलाइट किया हुआ था कि ये जो अभी नई गवर्नमेंट आई है तो क्या ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेगी उन सब लोगों के ऊपर जो वहां पे इलीगली रह रहे हैं, और उन सब लोगों के ऊपर जिनकी अभी तक टीआरसी के लिए कोई भी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या टीआरसी उनको नहीं मिली, या उन सब लोगों के ऊपर जो वहां पे जाके अपनी फाइल लॉक के प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट के क्या इंपैक्ट्स होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, स्पेसिफिकली अगर आप शेंजन जोन से स्टे इन टच रहना चाहते हैं। शेंजन जोन की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन, कोई वीजा पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन पर्टिकुलरली मेरा जो एक फेवरेट सब्जेक्ट है वो शेंजन जोन है। और जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट भी आ रहा है, आप मेरे दोनों अकाउंट्स को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर या टिकटॉक पे, तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। सो आपका बहुत बहुत सारा शुक्रिया जो लोग वेट करते हैं पर्टिकुलरली एक एक दो दो हफ्ते मेरे एक मैसेज के रिप्लाई के लिए। सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली अगर रिप्लाई नहीं आता तो मैसेज को दोबारा हाईलाइट करके भेजा करें, और आपसे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और माफी भी चाहता हूं, अपोलोजाइज भी करता हूं कि आपको थोड़ा सा मैं लेट रिस्पॉन्स करता हूं। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से। इलेक्शन आपको पता है 10 मार्च को हो गए थे। इसमें किसी भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे 2 से 3 चीजें जो है ना वो सामने आती हैं। नंबर 1, एक जो पार्टी का मंशूर होता है जिसे एजेंडा कहते हैं वो सामने आता है। नंबर 2, वो पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो लोगों के लिए क्या करेगी, वो चीज सामने आती है। और नंबर 3, उस पार्टी का जो उसके लोग हैं जो जिन्होंने उनको वोट दिया हुआ है उनकी उनके साथ क्या सिंपथीज हैं, वो उनके लिए क्या करना चाहती है। तो अभी जो पार्टी आपको पता है कि बरसर इक्तदार है, जो लीडिंग पे चल रही है, वो पार्टी का जो मंशूर और एजेंडा है उसमें कहीं पे भी ये चीज नहीं है कि वो वहां पे लीगल लोगों को रिमूव कर देगी। देखें सर, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना, कंट्रीज के लॉ को कंप्लीट करना या उसको पूरा करवाना, ये हर कंट्रीज की पार्टी का जो है ना वो एक मंशूर रहता है, एजेंडा रहता है। लेकिन उसमें बहुत सारी एक ये भी कह सकते हैं आपके सॉफ्ट कॉर्नर भी होते हैं कि जिनसे लोगों को एंटरटेन किया जाता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट सी बात करता हूँ कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता, दिस इज माई पर्सनल एनालिसिस, आई डोंट नो अबाउट दी अदर पार्टीज एंड पार्टीज एजेंडा एंड पार्टीज दी लाइक अ डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन थ्रू द पार्लियामेंट। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात आप लोगों के सामने ये रखता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पार्टी वहां पर अगर पुर्तगाल में आती है, वो इक्तदार आती है, वो इमिग्रेंट्स के अंगेंस्ट भी होगी तो वो तब भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन को बंद नहीं करेगी, पुर्तगाल के इमिग्रेंट्स को बाहर नहीं निकालेगी, पुर्तगाल के इमिग्रेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी कि आप इसमें से क्या आप भाग जाए, आप छोड़ दे, आप फाइल लॉक ना करवाए, ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इस कंट्री की जो इकोनॉमी है इसका सबसे बड़ा जो पार्ट है, मेजर पहिया है, वो वहां पर इमिग्रेंट्स के थ्रू ही चलता है। चलते अब सेकंड पार्ट की तरफ कि 6 मंथ में आप टीआरसी कार्ड ले कैसे सकते हैं। 6 मंथ में जो टीआरसी कार्ड आपका लेने का प्रोसेस है, मैंने अपने 2-3 जो कह सकते हैं कि जानने वाले जिन्होंने एडवाइस ली, जिन्होंने बताया जब एंट्री की, तो उनको मैंने सबसे पहले एक ही एडवाइस किया है कि भाई आप इधर उधर की बातों में ना जाएं, डायरेक्टली किसी प्रॉपर लॉयर के पास जाएं और लॉयर को हायर करें। लीगल कंसल्टेंसीज आप लेनी चाह रहे हैं, अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई कैन प्रोवाइड यू द मैनी मोर थिंग्स। तो लेकिन अगर आपको आप देखते हैं कि जी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं,
अपनी फाइल करवाते हैं किसी दूसरे वे से, तो यहाँ पे आपको एक टाइम लगेगा। अब वो कितना टाइम है, 1.5 मंथ से लेके 2 मंथ, 1.5 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक का टाइम है। तो 1.5 ईयर से 2 ईयर्स तक का जो एक टाइम है, ये वही टाइम है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम है, जो चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जब आप अपनी फाइल को लॉक करवाते हैं किसी लीगल कंसल्टेंट के थ्रू, तो जब लीगल कंसल्टेंट के थ्रू आप अपनी फाइल को लॉक करवाते हैं, तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये होती है कि वो लीगल प्रोस्पेक्टिव से आपकी फाइल को प्रेजेंट करते हैं। अब लीगल प्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं, लीगल चीज़ें क्या होती हैं, उसमें सबसे पहली बात जो होती है, जो लीगल प्रोस्पेक्टिव से वो आपकी फाइल को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आपके इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंट्री के जो लॉ हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो उस कंट्री की आप ये कह सकते हैं कि शिकें बनाई गई हैं कि कोई भी इमिग्रेंट यहाँ पे आता है तो उसको कैसे सेफ जोन दिया जाता है, उसको किस तरह से इंटरटेन किया जाता है, उसको इमिग्रेशन पॉलिसीज के थ्रू किस तरह इंटरटेन किया जाता है, तो थ्रू कोर्ट वो आपका केस प्रेजेंट करता है और इमिग्रेशन तक लेके आता है। अब ये वही सारी प्रैक्टिस है जो यूएसए में होती है, अमेरिका में होती है, ये वही प्रैक्टिस है जो कनाडा में होती है, ये वही प्रैक्टिस है जो ऑलरेडी जर्मनी में भी है, स्पेन में भी है, मतलब कि थ्रू ऑल द वेज द सेम प्रैक्टिस है जो इंग्लैंड में भी है, जो आयरलैंड में भी है। लेकिन पुर्तगाल में ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कम क्यों है, बाकी कंट्रीज में ज्यादा है लेकिन ये प्रैक्टिस पुर्तगाल में कम क्यों है, इसका मैं एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको बताता हूं। उसकी रीजन ये है कि एक तो पुर्तगाल में आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे जो वो कहते हैं कि जी हम खुद ही अपनी फाइल लॉक कर लेते हैं, हमने खुद ही अपनी फाइल लॉक की हुई है। सर, आपने सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। वो प्रोसेस क्या है कि एज पर द लॉ वो कहते हैं कि जी आर्टिकल 89 में कि जी जो उन्होंने एज पर द लॉ आर्टिकल 89 है 90 है कि जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉय है, जो बंदा जो है वो उसके बाद कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है, वो यहाँ पे आता है, वो अपनी फाइल को लॉक करवाता है, हम उसको फाइल को अकॉर्डिंग टू द लॉ कंसिडर करते हैं और उसको उसका TRC कार्ड के लिए प्रोसेस कर देते हैं। ये तो एक लॉ है। लेकिन अगर कोई बंदा थ्रू लॉयर जाता है तो फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें ऐड करने के साथ साथ लॉयर्स उसकी सिचुएशन को भी एक्सप्लेन करेगा। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि फाइल लॉक एक डिफरेंट प्रोसेस है और थ्रू लायर आप जब फाइल लॉक करवाते हैं तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आपकी सिचुएशन एक्सप्लेन की जा रही है, ये बंदा इस चीजों में सफर कर रहा है, ये इस प्रॉब्लम में स्टक है, इस वजह से ये अपने कंट्री को छोड़कर इस कंट्री में आया हुआ है, इस वजह से इस कंट्री में रह के ये कुछ करना चाहता है, इस कंट्री की सिटीजनशिप लेके इस कंट्री को ये बेनिफिट्स देना चाहता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक लायर ऐड करता है अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज एप्लीकेबल एंड एनेबल With respect to that particular country, जब पुर्तगाल की बात की जाती है तो पुर्तगाल की ही मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो जो आर्टिकल्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो लायर आपको एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पे ये सीन है कि 6 मंथ में उनको TRC कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। 100% मिलता है, आप 6 taxes पे करते हैं तो उनको मिल जाता है। लेकिन ये सारा के सारा सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किया है जो लोग लीगल हैं। इलीगल वालों के लिए भी सेम सिनेरियो है, टैक्सेस की रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है, 12 taxes उन्होंने पे करने होते हैं, लेकिन वो भी थ्रू लॉयर अपने फाइल लॉक करवा के लॉयर के थ्रू अपना कार्ड ले सकते हैं। देयर इज मेनी मोर रीजंस, देयर इज मेनी मोर हिडन इम्पैक्ट जो आप लोगों के सामने शेयर नहीं किए जाते, लेकिन जब आप ऑफिस में बैठते हैं लॉयर के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो बता देता है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले व्लॉग्स इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है पुर्तगाल इमिग्रेशन में, बहुत सारे नए जो है ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे आपको देखने में मिलेंगे इमिग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, TRC कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।